हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर करूंगी अपने लड्डू गोपाल जी के लॉकडाउन टाइम का फुल डे रूटीन। तो अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं लड्डू गोपाल जी को अब उठा दूंगी। बिना पानी पिला दूंगी। तो अब उठ गए हैं मेरे लड्डू और मेरे लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा। अब मैं लड्डू का बेड साफ़ कर दूंगी ताकि मैं इन्हें नहलाने के बाद यहाँ पर बिठा सकूँ। इनकी बेडशीट चेंज करके पिलोज़ वगैरह सब चेंज कर दूंगी। अब तैयारी करते हैं लड्डू को नहलाने की। ऑलमोस्ट नहा लिया है लड्डू ने और मैं इनके श्रृंगार की सारी चीज़ें एक ही जगह इकट्ठा कर रख देती हूँ ताकि मुझे इनके श्रृंगार करते वक्त सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो। इन्हें टॉवल से अच्छे से पोंछकर और अब मैं इन्हें पहना दूँगी सुंदर सी ड्रेस। मैं इन्हें घर में नॉर्मल ड्रेस ही पहनाती हूँ। एकदम हल्की ड्रेस मैंने पहनाई है अभी गर्मियों के लिए और मैं इनका हैवी श्रृंगार भी नहीं करने वाली, बट इन्हें श्रृंगार बहुत पसंद है इसलिए मैं थोड़ा बहुत श्रृंगार इनका कर देती हूँ। और बस इतने ही श्रृंगार में देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू। और वैसे भी मेरे लड्डू है बहुत ही सुंदर। और अब मैं करूंगी लड्डू गोपाल जी की आरती। तो आप लोग भी आ रहे हैं ना लड्डू गोपाल जी की आरती करने मेरे साथ। लड्डू गोपाल जी को दूध मिश्री और बादाम का भोग लगा दूंगी। अब बज गए हैं 11 और अब है लड्डू गोपाल जी का थोड़ा प्ले टाइम। मैं इनके साथ खेलूंगी, थोड़ा इनके साथ एंजॉय करूंगी। तो इनके पास रख दिए हैं मैंने इनके सारे टॉयज़ और इनके लिखने के लिए मैंने इन्हें पेपर पेन भी दिया हुआ है। मैंने इनके आसपास रख दी है मिश्री, चॉकलेट्स और कैरम, माखन, इनकी सारी टॉयज़ जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें मैंने इनके पास रख दी है। लड्डू गोपाल।
आप लड्डू गोपाल जी के साथ खेलूंगी। अभी तो लॉकडाउन टाइम है, लड्डू कहीं जा भी नहीं सकते, तो ऐसे ही ये घर पे एंजॉय कर रहे हैं। अब बज चुके हैं 12 और लड्डू गोपाल जी को अब भोग लगाने वाली हूँ। आज भोग के लिए मैंने इनके लिए बनाया है एक छोटा सा पराठा, गोभी और शिमला मिर्च की सब्जी, दही और खीरा रखा है। भोग लगाने के बाद खाना 10 मिनट में इनके पास ही रख देती हूँ ताकि ये भोग अच्छे से लगा ले। फ्रेंड्स, खाना खाने के थोड़ी देर बाद लड्डू गोपाल जी रेस्ट करते हैं, तो मैं इन्हें बिल्कुल भी 4-4:30 बजे तक परेशान नहीं करती। और अब 4 बज चुके हैं, मैं लड्डू गोपाल जी को जाकर उठाती हूँ। दो चीज़ें इन्हें पहना दूंगी और मैंने इनके लिए बनाया है बादाम दूध और मैं इन्हें बिस्किट दूंगी। तो मैं रोज़ डिपेंड करता है, इन्हें भोग लगा देती हूँ बिस्किट और दूध का, और अगर बिस्किट अवेलेबल नहीं होते तो मैं इन्हें दूध का भी भोग कभी कभी लगा देती हूँ। ये तो छोटे बच्चे हैं, खाना अपने चेहरे पर लगा ही देते हैं, तो मैं बाउल में पानी लेकर और कॉटन से इस तरीके से डिप कर इनका चेहरा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। उनके साथ बैठकर थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी। फ्रेंड्स, अभी तो लॉकडाउन टाइम चल रहा है, लड्डू गोपाल जी को कहीं बाहर लेकर जा भी नहीं सकती, तो मैं यूजुअली इन्हें 5:30 बजे अपने टेरेस पर ही घुमा देती हूँ। और फ्रेंड्स, ये है मेरे लड्डू गोपाल जी की प्यारी सी टोकरी जिसमें मैंने लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया है, और ये टोकरी मैंने खुद डेकोरेट की थी, इसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अब आ गए हैं लड्डू गोपाल जी टेरेस पर, तो देखिए लड्डू को कितने खुश हैं ये। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बाहर निकलने के बाद कितने खुश हो रहे हैं, और जब भी मैं इन्हें टेरेस पर लेकर आती हूँ ना, ये ऐसे ही स्माइल पास करते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, है ना खुश लड्डू। फ्रेंड्स, एक घंटे बाद मैं लड्डू को टेरेस से ले आई थी और अब 7 बज गए हैं और अब आरती टाइम हो चुका है। अब मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर हम दोनों आरती करते हैं लड्डू गोपाल जी की। तेरी आ
और फ्रेंड्स अब हो गए हैं 7:30 और मैं 7:30 के ऑलमोस्ट लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ, क्योंकि हम लोग खुद भी जल्दी खाना खाते हैं घर पर। फ्रेंड्स 7:30 बजे मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ और नाइट टाइम पे यूजुअली हम बहुत हल्का खाना खाते हैं, तो जो भी घर में बनता है उसके अकॉर्डिंगली मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ। आज मैंने ढोकला बनाया था तो मैं लड्डू गोपाल जी को इसी का भोग लगा दूँगी। जी अपना भोग लगा लेते हैं और उसके बाद घर के सारे मेंबर्स प्रसाद लेते हैं और अपना डिनर करते हैं। तो अब घर के सारे मेंबर्स ने डिनर कर लिया है और अब मैं लड्डू गोपाल जी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी। लड्डू गोपाल जी अपने टॉयज़ के साथ खेलेंगे और मीनवाइल मैं अपना काम वहीं बैठकर कुछ ना कुछ कंप्लीट कर लूँगी। सोने की थोड़ी देर पहले मैं इन्हें दूध का भोग लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब बस मैं इनका बेड साफ़ करूँगी, बेडशीट बिछाकर मॉस्किटो नेट लगा दूँगी और फिर अब मैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े चेंज करूँगी। और अब मैं इनके कपड़े चेंज कर इन्हें हल्की सी नाइट वेयर पहना दूँगी। हम हमेशा मेक श्योर करते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी का ये सेम रूटीन हरदम फॉलो करें। अगर मैं बिज़ी होती हूँ तो हस्बैंड हेल्प कर देते हैं और कभी हस्बैंड बिज़ी होते हैं तो मैं लड्डू गोपाल जी की ये सारे रूटीन हम लोग ऑलमोस्ट फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैंने लगा दी है मॉस्किटो नेट और रख दिया है पानी इनके पास। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट लड्डू गोपाल सो चुके हैं और बस मैं इनके पास 2-3 मिनट और बैठूंगी और फिर उसके बाद रूम की लाइट्स ऑफ कर दूंगी। और जहां लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं वहां का फ़ैन तो ऑलरेडी ऑन ही है, तो बस मैं अब लाइट्स ऑफ करूंगी और लड्डू गोपाल जी को गुड नाइट और आप सभी को भी राधे राधे गुड नाइट। तो फ्रेंड्स मेरे लड्डू गोपाल जी ऐसे अपना लॉकडाउन टाइम बिता रहे हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहते हो जो मैं लड्डू गोपाल की रूटीन में ऐड कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरे आगे की अपकमिंग वीडियोस आप सभी लोगों को मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।